गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट अपने घर की साइड से। एंड गाइस आज का सीन बता देता हूँ गाइस कि आज हम जा रहे हैं एक भाई की तरफ, क्योंकि उन्होंने भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि हमारी तरफ भी अपना भूसा ले आइए, कि तो इस वजह से हम उनकी लिए जा रहे हैं गाइस। यहाँ से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो लगभग यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी है वहाँ का। हमें वहाँ पर पहुँचना है लगभग 2 बजे, एंड लगभग टाइम अभी हो रहा है 12:15 बज रहे हैं। एंड गाइस ये चेक करें गाइस अपनी भूसा ये खड़ी है, खोलते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट एंड फिर निकलते हैं गाइस। पहले न्यूट्रल कर लेते हैं गाइस, न्यूट्रल फिर वी गो एंड कर दी कॉल्ड स्टार्ट। एंड थोड़ी देर में लगभग 2 मिनट तक कॉल स्टार्ट करेंगे एंड फिर अपने निकलते हैं अपने भाई के पास के लिए। एंड तब तक के लिए गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। गाइस आ गए हैं इसके घर स्कूल पे, यहाँ तो कोई नहीं बैठा गाइस गेट पे। हमारा भांजा है गाइस यहाँ स्कूल में पढ़ता है गाइस, यहाँ पे उसने कहा था कि हमारे स्कूल आना, तो उसके स्कूल आए गाइस। तो गाइस यहाँ एंट्री करते हैं एंड फिर उसके अंदर चलते हैं गाइस। उसकी हो गई छुट्टी बस, उससे एक्चुअली ऐसा हुआ कि सीन कुछ ऐसा हुआ, हम जब अंदर गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि गाइस ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल की। अगर कोई और कोई बच्चा लेके गया तो स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई ऐसा होता ही नहीं, कभी कभी कोई गलत लोग भी आ जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है सब, कॉल वगैरह करके उनके घर पर तो पूछ के तभी उनको दिया जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं दिया जाएगा। जो उनकी बस है तो बस पर ही जा सकते हैं वो। एंड गाइस उनका सब हो चुका है गाइस, वो आ गए देखे गाइस। गाइस छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है नहीं वो, जब ये परमिशन मिल गई, मिल गई परमिशन तो गाइस ये इनके लिए इतनी परमिशन लेनी पड़ी गाइस। चलो आओ बैठो, चलो बैठो, चलो एक काम कर, तो बाद में आएगी तो गाइस इनको छोड़ के फिर अपने निकलते हैं अपने बादशाह के लिए। चलो गाइस चले, ओके बाय, सब्सक्राइब कर लेना सबके, तो चलिए मिलते हैं फिर, चलो भाई चले, जंगल की गाड़ी के चलो कभी, कितनी देर, ठीक है भाई चल चलो, यहाँ यहाँ नहीं वहाँ पर, यहाँ से आए थे आप जिसका, ओके बाय गाइस बाय, चलो फाइनली गाइस यहाँ से इसको ले लिया है, ये चेक करें गाइस मेरे बिल्कुल। तो गाइस यहाँ से लेके उसको लेके चल रहे हैं एंड चलते हैं वहाँ पे अपने बाजपुर बाजपुर में जो भाई है उनसे मिलेंगे। ओ भाई कितना जाम है यहाँ पर, पलट गया गाइस ये तो पूरे ही चेजेस वेजेस सब पलट गया, ओ भाई पूरी चेजेस बिगड़ गई गाइस,
यार बहुत इतना जाम है रे, यहाँ तो जाम जाम लगवा है। स्कूल की गाड़ी खड़ी है ना, फिर से तो जाम लगवा है। लाइन लगी पड़ी थी गाइस, पता नहीं क्यों जब मैं तो करता हूँ तभी मेरा कैमरा ऐसे कैमरे में क्यों बंद हो जाता है, इसलिए मैं ना आता। लेकिन कोई नहीं, ये थोड़ी सी क्लिप थी वो भी साइड में बना गई तो ये पता चल गया। गाइस यही तो लाइफ में जीना था गाइस, और क्या ही। तो गर्मी स्टार्ट हो गई है तो गर्मी से जैकेट में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जाड़ों के टाइम पर तो कोई बात ना थी, मगर जब गर्मी आ जाती है तो जैकेट पहनना बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि अंदर पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन गाइस बाइक चलाना तो सेफ्टी जरूरी है, तो उसके लिए राइडिंग जैकेट पहननी बहुत ज़रूरी होती है, मगर गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है गाइस। अरे भाई गेमिंग चैनल क्या नाम है, क्या नाम नाम बोल दे एक बार। ओजी सीजे गेमिंग करके हमारा ओजी सीजे, ठीक है। भाई देख सकते हैं भाई का यूट्यूब चैनल है, 15 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर है। 15 लाख से ऊपर के, बढ़िया बढ़िया। तो भाई बहुत दूर से फोटो ले सकते हो यार भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाइक के साथ लेना हो तो ले लेना। नहीं यार बाइक के साथ ले लिया यार, इतना नहीं ऐसा बताया नहीं, बाइक के साथ लेना भी था। ठीक है भाई, तो ये सपोर्ट करते हैं गाइस, आप लोग सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करते हैं। मैं तो उम्मीद भी नहीं थी गाइस नहीं आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे, क्योंकि गाइस हर कोई ये तो बताया नहीं, जिसके सब्सक्राइब और नहीं होते हैं तो कोई नहीं सब्सक्राइब करता ना कोई व्यूज देखता। तो थोड़ी देर में चलते हैं, यहाँ पे हम एक जने का इंतजार कर रहे हैं, वो उनका इंतजार करके अभी वो यहीं पर है, तो उसके बाद अपने निकलते हैं गाइस। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई। भाई भाई चुके हम तो गाइस, बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे एंड आराम करेंगे एंड फिर चलेंगे गाइस। जो भाई थे वो तो हमें रास्ते में ही मिल गए गाइस, उनकी जो 15 साल की मेहनत है भाई, मैं उनके उसका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा मिला कि मुझे क्या 15 साल की मेहनत भाई बहुत ज़्यादा है। तो थोड़े से वहाँ पे रील्स वील्स निकालेंगे एंड फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे गाइस, तो तब तक लिए आप सिनेमैटिक चेक करें गाइस। सो गाइस हम रुके हैं एक ढाबे पे जिसका नाम है देसी रसोई ढाबा। गाइस यहाँ पे कुछ अलग ही फीलिंग है, चेक दिस आउट गाइस, यहाँ कितना अच्छा लगता होगा, यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती होगी, इतनी मतलब शुद्ध हवा बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, जिस ड्रैगन आटा कहानी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड बाय।